हेलो गाइस गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथ का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.5। तो एक्सरसाइज 5.5 पढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स बात हम लोग को पढ़ना होगा। तो बेसिक्स ऑफ लॉगरिथम डिफरेंशिएशन हम लोग को पढ़ना होगा। मैं आपको इसका एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन में आपको डिटेल में समझा दूंगा लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.5। तो देखिए यहाँ पे कब हम लोग का लॉगरिथम डिफरेंशिएशन लगता है, जब दो या दो से अधिक फंक्शन हो तभी हम लोग का लॉगरिथम डिफरेंशिएशन लगता है। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए यहाँ पे कितना फंक्शन है, एक है, दो है, तीन है, तब हम लोग का लगेगा, दो या दो से अधिक तभी हम लोग का लॉगरिथम डिफरेंशिएशन लगेगा। तो पहला क्वेश्चन बोलता है डिफरेंशिएट द फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज 1 टू 11 विद रिस्पेक्ट टू एस। तो यहाँ पे हम लोग को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एस। पहले हम लोग लॉग से सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए cos x है इंटू cos 2x इंटू cos 3x है। तो सबसे पहले हम लोग इसको let y कर लेते हैं, let y इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब यहाँ पे let y कर लिए, अब हम लोग दोनों तरफ log लगा लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए taking both side, जब भी दो function ज्यादा लगेगा तभी logarithm लगेगा। तो taking बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, देखिए यहां लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहां पे हम लोग लॉग ऑन बोथ साइड लिख लिए। तो यहां पे हम लोग आ गया लॉग वाई इक्वल टू लॉग कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। तो यहां पे आप लोग आई होप यहां तक आप लोग समझ गए होंगे कि यहां पे दोनों तरफ हम लोग लॉग पुट कर दिए। अब देखिए यहां पे एक फॉर्मूला था हम लोग का, यहां पे ध्यान से देखिए एक फॉर्मूला है लॉग m n p का। यहां पे देखिए जब भी इंटू में लॉग रहे तो इसका फॉर्मूला है लॉग m प्लस लॉग n प्लस log p। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का देखिए यहाँ पे दिख रहा है। तो जब भी m n p फॉर्म में रहे, मतलब इनटू के फॉर्म में रहे, तो ये ऐड हो जाता है हरदम। तो यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग को याद रखना होगा तभी बनेगा। तो यहाँ पे अब हम लोग तोड़ के लिख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया कितना, log y इक्वल टू log cos x प्लस log cos 2x प्लस लॉग। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग आ गया cos log cos 3x। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोला था। अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे अब हम लोग को log का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे d by dx log x इक्वल टू हम लोग का होता है 1 by x। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है log x का फॉर्मूला, d by dx log x का 1 by x होता है। तो यहाँ पे हम लोग का पुट हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे देखिए पहले log y का होता है 1 by y into, अब y को डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx इक्वल टू, पहले हम log y को डिफरेंशिएट करेंगे उसके बाद y को करेंगे डिफरेंशिएट। अब यहाँ पे देखिए हम लोग 1 by cos, मतलब देखिए log cos x, तो x के जगह cos x है, तो 1 by cos x। अब यहाँ cos x को डिफरेंशिएट करेगा तो माइनस साइन x आता है प्लस। अब हम लोग देखिए यहाँ पे cos 2x, मतलब log cos 2x को डिफरेंशिएट करेगा तो x का वैल्यू cos 2x है, तो 1 by cos 2x। यहाँ पे देखिए हम लोग तीन बार डिफरेंशिएट होगा, पहले log को डिफरेंशिएट करेंगे उसके बाद cos 2x को डिफरेंशिएट करेगा उसके बाद हम लोग का 2x को डिफरेंशिएट करेगा। अब देखिए cos को तो जानते हैं माइनस साइन 2x होता है। अब देखिए अब 2x को डिफरेंशिएट करेगा तो 2 आ जाता है। अब देखिए प्लस, अब देखिए log cos 3x को डिफरेंशिएट करिए तो यहाँ पे 1 by cos 3x। अब यहाँ पे cos 3x को डिफरेंशिएट करेगा तो माइनस साइन 3x, और 3x को डिफरेंशिएट करेगा तो 3 आता है। तो यहाँ पे हम लोग का आ गया इतना डिफरेंशिएट करने पे। आई होप आप लोग बिल्कुल समझ रहे होंगे, तो बहुत ही इजी है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का
डी वाई बाई डी एक्स। अब हम लोग y को उस तरफ ले गए, y इस y को उस तरफ ले गए हम लोग, मल्टीप्लाई डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू। अब देखिए माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन बाई कॉस क्या होता है टेन एक्स, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस टेन एक्स। फिर यहाँ पे देखिए माइनस साइन एक्स टू एक्स बाई कॉस टू एक्स, तो फिर से यहाँ पे माइनस टेन टू एक्स इंटू टू। अब प्लस फिर से यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस टेन थ्री एक्स इंटू थ्री। तो यहाँ पे आप लोग को आ गया, तो यहाँ पे आ गया फ्रॉम वन। अब यहाँ पे देखिए अब हम लोग को यहाँ पे इतना आ गया, अब हम लोग y का वैल्यू पुट कर देंगे तो यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए y का वैल्यू क्या था, लेट y माने थे cos x cos 2x cos 3x को जगह पुट कर दीजिए तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आ गया dy by dx is equal to cos x into cos 2x into cos 3x minus tan x माइनस टेन टू एक्स माइनस। तो यहां पे हम लोग का टू बाहर में, यहां पे टू इंटू इधर हो गया, फिर यहां पे थ्री टेन थ्री एक्स, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर टू। तो क्वेश्चन नंबर टू देखिए यहां पे रूट अंडर के फॉर्म में है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे देखिए हम लोग का क्वेश्चन लिख चुके हैं, तो देखिए यहां पे तो सबसे पहले हम लोग इसको y मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए y इक्वल टू इतना। अब हम लोग जानते हैं जब भी दो या दो से अधिक फंक्शन हो तो उसको हम लॉगरिथम कर देते हैं, मतलब लॉग लगा देते हैं। तो यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ पे हम लोग बोथ साइड को लॉग लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का लॉग y इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस फाइव। जब भी यहाँ पे होल रूट है तो उधर जाता है, मतलब ये निकलता है बाहर, तो यहाँ पे वन बाई टू हो जाता है पावर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का पावर वन बाई टू हो गया। अब एक फॉर्मूला है हम लोग का, देखिए कौन फॉर्मूला है यहाँ पे, अब एक फॉर्मूला है जो इसका पावर आगे आ जाता है लॉग में, तो उसमें उसको हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे भी हम लोग लॉग लगाए हुए लिखे नहीं, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी लॉग है, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा लॉग है यहाँ पे आगे में लिखा हुआ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का एक फॉर्मूला था कि इसको जब लॉग करिएगा तो यहाँ पे पावर आगे आ जाता है, तो इसको इस फॉर्म में लिख देंगे लॉग वाई इक्वल टू वन बाई टू लॉग ब्रैकेट, तो यही मैं कहना चाह रहा था इधर आ जाता है लॉग एक्स माइनस, पावर जो होता है वो आगे आ जाता है एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस फाइव। तो यहां पे हम लोग का हो गया। अब हम लोग देखिए क्या, अब इसका हम लोग ये करते हैं। देखिए अब हम लोग को जब भी पता है, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, जब भी हम लोग का लॉग ऐसा रहे लॉग एम लॉग एन रहे, एक फॉर्मूला पढ़े थे उसका क्या हो जाता है हम लोग का लॉग एम माइनस एन हो जाता है लॉग एन, ये हम लोग का फॉर्मूला पढ़े, जब भी डिवाइड रहता है तो एम माइनस एन घट जाता है। तो यहां पर भी हम लोग का देखिए यहां पे एम और एन है तो यहां पे हम लोग घटा देंगे, तो देखिए यहां पे log y, आप लोगों को फॉर्मूला क्लियर रहेगा तभी बनेगा, log y is equal to 1 by 2 log log x minus 1 x minus 2 minus log x minus, अब इसको माइनस कर देंगे x minus 3 x माइनस फोर। ये बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा टाइम लगे, x माइनस फाइव। अब देखिए हम लोग पीछे एक फॉर्मूला पढ़े थे, कौन सा फॉर्मूला, तो ये पढ़े थे log m n p पढ़े थे ना, इंटू रहेगा तो यहाँ पे हम लोग प्लस हो जाता है log m प्लस log n प्लस log p हो जाता है,
तो पीछे हम लोग पड़े थे। अब यहाँ पे देखिए इन टू में है, तो यहाँ पर भी हम लोग का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आप लोग लिख ले। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल ध्यान से, आई होप आप लोग समझ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग का वन बाई टू इस फॉर्मूला को यहाँ पे हो जाएगा, तो लॉग एक्स माइनस वन प्लस लॉग एक्स माइनस टू माइनस लॉग एक्स माइनस थ्री, तो इसको भी उसी फॉर्मूला पे इनटू में है। फिर देखिए माइनस का साइन, तो हर जगह माइनस पुट हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस फोर, क्योंकि माइनस जब पुट करेंगे तो सब जगह माइनस चेंज हो जाता है, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। फिर माइनस लॉग एक्स माइनस फाइव, तो यहाँ पे ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग इसको आप लोग सिंप्लीफिकेशन कर दिए। अब हम लोग क्वेश्चन बोला था डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, तो चलिए मैं आपको धीरे धीरे आप लोग समझ जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग किए डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो लॉग वाई को डिफ्रेंशिएट करेगा तो वाई हो जाएगा, अब वाई को डिफ्रेंशिएट करेगा तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे आ गया। अब देखिए वन बाई टू पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए लॉग एक्स माइनस वन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना आ जाता है, देखिए यहाँ पे वन बाई एक्स माइनस वन, और जब भी हम लोग एक्स माइनस वन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी बाई डी एक्स एक्स माइनस वन प्लस वन बाई एक्स माइनस टू, लॉग एक्स माइनस टू को डिफ्रेंशिएट करिए तो, और डी बाई डी एक्स एक्स माइनस टू प्लस, अब यहां पे फिर से माइनस वन बाई एक्स माइनस थ्री, यहां पे लॉग एक्स माइनस थ्री को डिफ्रेंशिएट करिए, उसके बाद फिर डी बाई डी एक्स एक्स माइनस थ्री माइनस, फिर यहां पे फिर माइनस वन बाई एक्स माइनस फोर, फिर यहां डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स, पहले लॉग को डिफ्रेंशिएट, उसके बाद हम लोग एक्स माइनस मतलब फोर को करेंगे डिफ्रेंशिएट। अब यहां पे देखिए माइनस वन बाई एक्स माइनस फाइव लॉग, तो यहां पे हम लोग कितना हो गया डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स एक्स माइनस फाइव, तो यहां पे हम लोग लिख दिए। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो देखिए यहां पे हम लोग डायरेक्ट बताते हैं डिफ्रेंशिएट, एक्स माइनस वन को डिफ्रेंशिएट करेगा तो क्या आएगा, देखिए एक्स माइनस वन को डिफ्रेंशिएट कर वन को करिएगा डिफरेंस तो जीरो ही होता है, और एक्स को डिफ्रेंशिएट करिएगा तो वन ही होगा, क्योंकि x पे पावर वन हो जाएगा और जिस पे पावर वन होता है वो वन ही कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करने पे वही आया, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया हम लोग का, अब यहाँ पे dy वाई बाई डी एक्स, अब y को उधर ले गए उस तरफ, मल्टीप्लाई में डिवाइड होता है y बाई टू। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का, अब देखिए इसको वन बाई एक्स वन हो गया प्लस, अब x माइनस वन को डिफ्रेंशिएट करिएगा तो वन ही आता है, तो वन इंटू वन वन ही हो जाएगा, तो उसी तरीका से सब जगह वन माइनस एक्स माइनस टू माइनस वन माइनस एक्स माइनस थ्री माइनस वन माइनस एक्स माइनस फोर माइनस वन माइनस एक्स माइनस फाइव, तो यहां पे हम लोग का डिफ्रेंशिएट करने पे आ गया। तो यही हम लोग का, अब देखिए हम लोग का ये, अब हम लोग y का आंसर, अब हम लोग का ये लगभग आंसर आ चुका है। अब बस हम लोग y के जगह हम लोग पुट कर देंगे, ये y का वैल्यू हम लोग क्या लिए थे, देखिए यहाँ पे हम लोग y का वैल्यू ये लिए थे, हम लोग ये पुट कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, देयरफॉर dy by dx इक्वल टू 1 by 2, हम लोग y का वैल्यू पुट करते हैं तो क्या था x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, वाई का वैल्यू था और यहां पे हम लोग का आंसर आया था क्या, ये वाला, तो वन बाई एक्स माइनस वन प्लस वन बाई एक्स माइनस टू माइनस वन माइनस एक्स माइनस थ्री माइनस वन माइनस एक्स माइनस फोर फिर माइनस वन माइनस एक्स माइनस फाइव, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बोल रहा है लॉग एक्स
पे पावर कॉस एक्स है, तो इसको बनाना है। तो इसको भी स्टार्ट करते, पहले हम लोग इसको वाई मान लेते, वाई इक्वल टू लॉग एक्स पे पावर कॉस एक्स। अब यहां पे हम लोग दो दो या दो से अधिक है तो लॉगरिथम लगा देते हैं, तो टेकिंग लॉग लॉग बोथ साइड। अब यहां पे हम लोग पुट कर दिए लॉग वाई इक्वल टू, अब यहां पे हम जो पीछे पड़े थे जो इसका पावर आगे आ जाता है जब भी हम लोग बनाते हैं लॉग के पावर, इसका फॉर्मूला होता है, तो यहां पे हम लोग कॉस एक्स बाहर आगे आ जाएगा, कॉस एक्स लॉग इंटू लॉग एक्स। तो जब भी हम लोग इसका हम लोग निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है कि इसका पावर आगे आ जाता है लॉग इंटू लॉग एक्स हो जाता है, तो इस तरीका से कुछ। तो यहाँ पे पुट, अब वो फॉर्मूला याद रहना चाहिए तभी आप लोग का बनेगा कुछ। अब यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दिए, कर दीजिए, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे वन बाई वाई लॉग वाई को डिफ्रेंशिएट करिए इंटू वाई को डिफरेंस करिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे हम लोग, अब हम लोग कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करिएगा, मतलब पहले कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करिए इंटू डी बाई डी एक्स, मैं कर रहा हूं आप लोग समझ जाइएगा, कॉस एक्स इंटू लॉग 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 एक्स। अब उसके बाद हम लोग कॉस एक्स पुट कर देंगे, अब उसके बाद हम लोग किसको डिफ्रेंशिएट करेगा लॉग और लॉग एक्स को, लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करेगा। तो यहां पे थोड़ा खिचपिच हो गया, तो लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करेगा। अब यहां पे देखिए हम लोग डिफ्रेंशिएट किए कितना, तो वन बाई वाई डॉट डी वाई बाई डी एक्स, यहां पे कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस साइन एक्स आ गया इंटू लॉग लॉग एक्स। अब यहां पे देखिए कॉस एक्स पुट कर दिए, अब यहां पे हम लोग लॉग एक्स को पुट करना है, पहले हम लोग लॉग दो, यहां पे दो दो बार डिफ्रेंशिएट होगा, तो पहला हम लोग का डिफ्रेंशिएट हुआ इंटू वन बाई लॉग एक्स, लॉग का एक्स का वैल्यू वन बाई लॉग एक्स है। अब उसके बाद डिफ्रेंशिएट होगा लॉग एक्स डी बाई डी एक्स बाई लॉग एक्स का डिफरेंशिएट। देखिए अब हम लोग का आ गया डी वाई डी एक्स, अब देखिए वाई हम लोग मल्टीप्लाई में था, सॉरी डिवाइड में था, तो मल्टीप्लाई में आ गया वाई इक्वल टू माइनस साइन एक्स लॉग लॉग एक्स, यहां पे हम लोग जो था लिख लिए लॉग एक्स प्लस। अब यहां पे देखिए कॉस एक्स डिवाइडेड बाय ये वाला लॉग एक्स इनटू, अब लॉग एक्स को डिफरेंशिएट किए तो वन बाय एक्स आ गया, तो यहां पे फाइनली हम लोग का आंसर आ गया। अब हम लोग वाई का वैल्यू हम लोग जो था ये वाला पुट कर देंगे वाई की जगह पे, तो वाई का वैल्यू कितना था हम लोग का, तो यहां देयर फॉर डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस साइन एक्स लॉग, सॉरी यहां पे हम लोग y का वैल्यू नहीं पुट किए, देखिए यहां पे पुट कर दीजिए, तो इस टर्म को काट दिए हम लोग, सो देयर फॉर dy बाई डी एक्स लॉग y की जगह हम लोग पुट कर दिए यहां पे लॉग x बाई cos x। अब यहां पे हम लोग पुट कर दीजिए सारा माइनस साइन x लॉग cos लॉग x प्लस, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है x पे पावर x माइनस 2 पे पावर साइन x, तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग y कर लेते हैं, लेट y y इक्वल टू x पे पावर लेट कर लिए y माइनस 2 साइन x। अब देखिए हमको इसको हम लोग y u मान लीजिए और इसको हम लोग v मान लीजिए, मतलब इजी होने के लिए थोड़ा इजी, मतलब इजी फॉर्म में बनाएंगे,
तो यहाँ पे हम लोग आ गया वाई स्क्वल टू यू माइनस वी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई सॉरी डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो यहां पर ये हम लोग का ए आ गया। अब हम लोग का एक फॉर्मूला था, हम लोग पढ़े थे, देखिए नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डी बाई डी एक्स। ए एक्स का हम लोग जब भी निकालते हैं डिफरेंशिएशन तो ए पे पावर एक्स इंटू लॉग ए डी बाई डी एक्स एक्स। तो ये हम लोग का फॉर्मूला है, तो ये बात आप नोट कर लीजिए, ये बहुत यूज होगा इस फॉर्मूला इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम लोग का क्या था, यू इक्वल टू था एक्स पे पावर एक्स था। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये एक्स है, एक्स पे पावर एक्स है, तो ये लॉग यू इक्वल टू लॉग एक्स पे पावर एक्स। अब देखिए इस फॉर्मूला में पुट करते हैं तो ये कितना आ जाता है, ये बाहर आ जाएगा एक्स, सॉरी इस फॉर्मूला पे नहीं, इसको हम लोग इसका फॉर्मूला होता है पावर आगे आ जाता है एक्स लॉग एक्स। तो देखिए ये फर्स्ट है और ये सेकंड, तो यहाँ पे हम लोग अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करिए तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट किए तो इसका क्या हो गया, वन बाई यू डॉट डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट मतलब पहले एक्स पुट किए उसके बाद लॉग एक्स को डिफरेंशिएट किए तो वन बाई एक्स आ गया। अब उसके बाद हम लोग लॉग एक्स को यहाँ पुट किए, अब हम लोग एक्स को डिफरेंशिएट किए तो वन आ गया हम लोग का। तो यहाँ पे कितना हो गया, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू बाहर इस तरफ आ गया यू, अब एक्स एक्स कट गया हम लोग का, तो यहाँ पे कितना आ गया, वन प्लस लॉग एक्स। अब u का वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू का वैल्यू कितना था, x पे पावर x था, तो यहाँ पे फाइनल हम लोग का आ गया वन प्लस लॉग x। ये हम लोग का b आ गया। अब आते हैं हम लोग c में, मतलब इसका आते हैं v वाला में आते हैं। तो v कितना था हम लोग का, v इक्वल टू था 2 पे पावर साइन एक्स था। अब देखिए हम लोग इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट कर देंगे v इक्वल टू 2 पे पावर साइन एक्स, तो यहाँ पे कितना आ गया, डी वी बाई डी एक्स डिफरेंशिएट किए इक्वल टू बाहर 2 साइन एक्स आ गया, 2 साइन एक्स इंटू लॉग उस फॉर्मूला पे पुट कर दिए तो लॉग 2 डी बाई डी एक्स साइन एक्स आ गया, साइन एक्स आ गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे कितना आ गया, 2 साइन एक्स लॉग 2, अब इस साइन एक्स को डिफरेंशिएट किए तो क्या आ गया, कॉस एक्स। ये हम लोग का सी आ गया। सो फ्रॉम बी एंड सी ए बी सी, तो यहाँ पे हम लोग का अब क्या था हम लोग का ए बी सी से क्या, अब हम लोग दोनों का वैल्यू इसका आ गया डी यू बाई डी एक्स आ गया और डी वी बाई डी एक्स आ गया, यहाँ पे हम लोग पुट कर दीजिएगा वही तो आंसर हम लोग का आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स पे पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स आया था माइनस साइन, सी का वैल्यू कितना आया था माइनस साइन इंटू टू साइन सॉरी टू पे पावर साइन एक्स था एक्स लॉग टू डॉट कॉस एक्स। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर में, तो फिफ्थ नंबर देखिए यहाँ पे मैं बना दिया, बहुत इजी था तो आप लोगों को समझा दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग वाई पुट कर देते हैं, लेट वाई इक्वल टू इतना। अब देखिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो देखिए यहाँ पे इंटू में था तो लॉग एम एन पी आप लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी, तो यहाँ पे हम लोग वाई प्लस कर दिए तो यहाँ पे इतना आ गया। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला था जो पावर होता आगे आ जाता है तो टू लॉग एक्स प्लस थ्री थ्री लॉग एक्स प्लस फोर फोर पावर आगे आ जाता है तो इतना आ गया। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए तो वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, पहले लॉग को किए
पहले टू रखे, उसका लॉग एक्स का वैल्यू 1/x होता है, तो 1/x+3 इंटू, अब हम लोग x+3 को डिफरेंशिएट किए x+3, तो उसी तरह सब तरफ से कर दिए। तो यहाँ पे x+3 को डिफरेंशिएट करिएगा तो 1 आता है, 1 × 1, तो वही y इक्वल टू 2/x, x+3, 3/x+4, 4/x+5। यहाँ पे देखिए अब y का वैल्यू हम लोग पुट कर दीजिए, ये आ गया बाई ये। अब देखिए क्यों लिखा हूँ मैं, क्योंकि पीछे हम लोग एनसीईआरटी आंसर दिया हुआ है, इसको हम लोग जब भी फ्रैक्शन लीजिएगा तो ये हम लोग का जब भी सिंप्लीफाई करिएगा तो ये आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ तक भी लिख सकते हैं, मगर मैं ये लिख दिया हूँ क्योंकि पीछे बुक में एनसीईआरटी बुक में यही दिया नहीं, तो आप लोग समझिए क्वेश्चन आंसर गलत है। तो इसको भी सिंप्लीफाई करिएगा तो ये आ जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर है।